हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। अभी आप लोग देख रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का टेस्ट। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का टेस्ट आप लोगों को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहां पर आप लोगों को लिंक मिलेगा। तो वो लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोडिंग रहेगा। ऐसा नहीं समझिएगा कि उसका कुछ प्राइस लग रहा, ठीक है। तो एक्चुअली ये टेस्ट बहुत पहले आ जाना चाहिए था, पर कल नेट ही ख़त्म हो गया। नेट ख़त्म हो गया था मीन्स नेट चल ही नहीं रहा था। BSNL का सिम मैं यूज़ करता हूँ, ये भी आपको बता दे रहा हूँ, नहीं चल रहा था पूरा कल 7 बजे तक लेकर के रात को 3 बजे तक, मतलब दिन का तीन, आज दिन का 3 बजे तक एकदम सर्वर डाउन था पूरा। तो इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया, तो अभी अपलोड होगा। और एक बात याद रखना, जो भी टेस्ट होता है आपका, केमिकल इक्विलिब्रियम हो या आयनिक इक्विलिब्रियम हो या फिजिकल केमिस्ट्री की जितनी भी क्वेश्चंस की टेस्ट होती है, वो सारा ही एग्ज़ाम का क्वेश्चंस के लायक होता है। सारा एक्सपेक्टेड, मतलब इस पैटर्न का एक्सपेक्टेड रहता है कि ये क्वेश्चन उठ करके आ जाएगा या इस टाइप का क्वेश्चंस आएगा नीट में। आप एक काम करना, डिस्क्रिप्शन में जाना तो वहाँ एक और लिंक मिलेगा। वो लिंक में आप लोगों को मैंने JEE मेंस का क्वेश्चन पेपर करवाया था और वहाँ पे बोला था कि देखो आयोनिक इक्विलिब्रियम में सिर्फ एक चीज़ पूछता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इसलिए मैं उसको स्किप करता हूँ, उसका सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट उसमें समझा दिया था, ऐसा कुछ मैंने उसमें बोला था। और वही 2 कॉपी पेस्ट उठ करके 2019 में क्वेश्चन आया था, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। JEE मेंस का आप लोगों का क्लियर हो जाएगा और नीट 2020 में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, केमिकल हो या आयनिक हो, आपका सारा बन जाएगा। थर्मोडाइनेमिक्स का पेपर मैंने दे दिया है, जो भी देखो शेड्यूल में जो भी था इस मंथ का ऑलमोस्ट सारा कुछ हो चुका है। तब भी मैंने एक और शेड्यूल से उठा करके टेस्ट के लिए बनाया है कि ये आप लोगों का टेस्ट का होगा, ये बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे क्या होगा। तो ये थर्मोडाइनेमिक्स का टेस्ट हो चुका है, तो जिन लोगों ने नहीं सॉल्व किया होगा तो प्लीज़ सॉल्व कर लेना, ठीक है। और नहीं मैंने अपलोड किया होगा तो अपलोड कर दूंगा, आप लोग बता देना मुझे, क्लियर है। तो ये है आप लोगों का टेस्ट पेपर और एक एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, नहीं इसमें आप लोगों को मिल जाएगा पूरा का पूरा पेपर ही डिस्क्रिप्शन लिस्ट में। और ये मैं आप लोगों को डालूंगा, क्या बोलते हैं उसे, ये आप लोगों को मिलेगा थोड़ा लेट से, एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा वो उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। वो बता दूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर, जो भी इससे पहले एक लेक्चर आएगा वो टेस्ट का आएगा। टेस्ट का शेड्यूल लगातार आपका 24, 25, 26, 27, 28 और 30 को टेस्ट होगा। क्या चैप्टर होगा, क्या ये होगा, और जो ईमानदारी से टेस्ट देगा, देखो ऑनेस्टी सबसे मतलब महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा चीज़ है। अगर जो चीज़ वो जो स्टूडेंट उसको फॉलो करेगा ना, कोई नहीं हरा सकता, भले वो कुछ भी पढ़े, ठीक है। ऐसा होता है ना, जो वो पढ़ रहा है वही आता है एग्ज़ाम में, यही होता है, लक भी साथ देने लगता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में भी आप लोगों का आयनिक इक्विलिब्रियम का टेस्ट हो। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम अच्छा से देना है। और सारा क्वेश्चन आसान है, कोई भी टफ नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम ही आसान है पूरा का पूरा चैप्टर। तो कोशिश करना कि 22-23 क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों का वो करेक्ट करके आना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23 है, 23 में 23 करेक्ट होना चाहिए, ऐसा कोशिश होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। डिस्क्रिप्शन लिस्ट से ले लेना, बार बार बता रहा हूँ, कोई दाम नहीं लगेगा उसका। पुराने स्टूडेंट जिन्होंने डाउनलोड किया है, एक कमेंट कर देना कैसे करना है।